हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नंबर सिस्टम का जो डिविजिबिलिटी रूल वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें जो डिविजिबिलिटी रूल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखें वन बाई वन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 8 डिजिट नंबर 6M6M27083M, ये 8 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 6, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, m की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनका सम क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। और हमें पता है डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 का मतलब क्या है कि हम पता है 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और ध्यान रहे कि जो प्रोडक्ट लिखते हैं उसमें हम जो ये 2 और 3 हैं ये हमारे क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर, यानी इनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होना चाहिए, 1। तभी हम कह पाएंगे कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 6 है तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, ये नंबर डिविजिबल बाय 2 भी होगा और डिविजिबल बाय 3 भी होगा। और डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2 जो है उसका आपको मीनिंग पता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो उसका जो यूनिट प्लेस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इवन नंबर। तो इसका मतलब डिविजिबिलिटी बाय 2 से हमें क्या पता चलता है कि m जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 और 2 और 4 और 6 और 8, मतलब m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, पहले m की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी, 10 वैल्यूज, लेकिन डिविजिबिलिटी बाय 2 से हमें क्या पता चला कि m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो केवल इवन नंबर्स हो सकती है। फिर नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाई थ्री, बाई थ्री, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई थ्री है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो सम ऑफ डिजिट्स होंगी, सम ऑफ डिजिट्स वो भी क्या होंगी, डिविजिबल बाई थ्री, या क्या कह सकते हो, मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री। तो डिजिट्स का जो सम होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ थ्री, और यहां से आप डिजिट्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो, क्या होगा, 6 प्लस m प्लस 2 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस m इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, 6 टू 8, 8 7 15, 15 और 8 23, 26, यानी 26 प्लस 2m इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल। तो यहां से आप देखो, अगर मैं यहाँ इसमें m की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, m की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 26 इज मल्टीपल ऑफ 3, 26 इज मल्टीपल ऑफ 3, नॉट पॉसिबल। m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने से क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 + 26 = 30, दैट इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी पॉसिबल होगा। m इज इक्वल टू 4, 2 × 4 = 8, 8 + 26 = 34, इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। एम इज इक्वल टू 6, 6 × 2 = 12, 12 + 26 = 38, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। एम इज इक्वल टू 8, 8 × 2 = 16, 16 + 26 = 42, 42 इज मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स 8। इसका मतलब एम की जो टू पॉसिबल वैल्यूज आती है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, एम इज इक्वल टू 2 और 8, m की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, आइदर 2 और 8, लेकिन हमें क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका सम, और सम क्या हो जाएगा, 2 + 8 यानी 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 10, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 7 डिजिट नंबर 39756X2, ये क्या है, 7 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये जो एक्स है इस एक्स की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू सच दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 8, नंबर इज डिविजिबल बाई 8, और अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 8 हो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2³, तो हमें पता है नंबर इज डिविजिबल बाई 8 का मतलब क्या है कि जो ये लास्ट 3 डिजिट होंगी, यानी 6X2 इज डिविजिबल बाई
एट, यानी कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाई एट मीन्स सिक्स एक्स टू ये नंबर डिविजिबल बाई क्या होगा, एट होगा, और दिस नंबर इज डिविजिबल बाई एट, और हमें साथ में देख रहे हैं आप एक्स की क्या फाइंड आउट करनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अब हमें एक्स की ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए कि ये जो सिक्स एक्स टू नंबर होगा ये नंबर क्या हो, डिविजिबल बाई एट। तो इसलिए अगर आप इसमें इसको आप सॉल्व करें तो सिक्स एक्स टू इसको हम डिवाइड करेंगे एट से, और ये नंबर मेरे पास डिविजिबल बाई एट हो, तो इसके लिए जो एक्स है, ये जो एक्स है, इस एक्स की जो वैल्यू है हमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हम इसमें एक बार जीरो पुट करके जीरो वन टू थ्री पुट करेंगे, और अगर लार्जेस्ट फाइंड आउट करनी होती तो यहाँ हम एक्स की वैल्यू नाइन टेन सॉरी नाइन एट सेवन पुट करके फाइंड आउट करते। तो देखें अगर मान लो सपोज करो मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू जीरो है तो मेरे पास क्या आएगा, एट इंटू सेवन फिफ्टी सिक्स, फोर और टू फोर्टी टू हो जाता है। अब एट को मैं अगर फोर्टी टू से डिवाइड करता हूँ, एट को अगर मैं फोर्टी टू एट से मैं अगर 42 को डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हमें डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मैं जीरो ले रहा हूँ, जीरो है तो मेरे पास यहाँ फोर है, तो 42 8 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ जीरो के प्लेस पर मेरे पास वन होता तो ये मेरे पास क्या हो जाता, 52। जीरो के प्लेस पर यहाँ वन होता, 612 होता, तो ये क्या हो जाता, 52। लेकिन आप देख रहे हो कि जो 52 है वो भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से, और अगर मान लो यहाँ जीरो के प्लेस पर मेरे पास होता 2 तो ये मेरे पास क्या हो जाता, 62, तो वो भी नहीं है। इसी वे में अगर हम यहाँ x के प्लेस पर मेरे पास 3 होता तो इसको 63 में से 56 माइनस होता तो ये मेरे पास क्या आ जाता, 72, और 8 से डिविजिबल होगा 72। तो इसका मतलब मेरे पास x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3। x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डायरेक्ट हम जब करेंगे तो इसको जल्दी से कर पाएंगे कि x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये नंबर क्या आ जाए, डिविजिबल बाई 8। तो इसका मतलब हमें x की जो पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 8 हो, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 3। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, x इज इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द 9 डिजिट नंबर 8 7 6 5 4 3 2 XY, 9 डिजिट नंबर है ये हमारे पास, दिस इज डिविजिबल बाई 8, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है, डिविजिबल बाई 8, देन द टोटल पॉसिबल पेयर्स, x और y के पॉसिबल पेयर्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वही सेम एज इट इज, डिविजिबल बाई 8 का क्या मीनिंग है कि जो लास्ट थ्री डिजिट्स होंगी, लास्ट थ्री डिजिट्स यानी 2XY इज डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाई 8 है तो कंप्लीट जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 8 होता है। तो यहाँ से 2XY यानी 2XY मतलब कहाँ से क्या स्टार्ट होंगे नंबर, 200 201 202 और लास्ट 299 तक, यानी 200 से स्टार्ट होंगे नंबर, 200 201 202 एंड सो ऑन 299, इनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 8 होंगे, 200 से 299 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल बाई 8 होंगे, तो वो फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो कि जो 200 है, 200 ये 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 2 16 40, यानी 200 जो है वो डिविजिबल बाई 8, 200 डिविजिबल बाई 8 है। तो इसका मतलब जो नंबर्स होंगे, नंबर्स वो क्या होंगे, 200, और जब 200 8 से डिविजिबल है तो जो नेक्स्ट नंबर होगा डिविजिबल बाई 8 क्या होगा, 208 216 एंड सो ऑन टू 96। तो ये जो नंबर होंगे ये हमारे क्या होंगे, डिविजिबल बाई 8, और ये नंबर डिविजिबल बाई 8 होंगे। तो ये जो 2XY है, 2XY के प्लेस पर अगर हम ये नंबर लिख देंगे तो ये जो 9 डिजिट नंबर है हमारा वो 9 डिजिट नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 8 होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल पॉसिबल पेयर्स, तो ये पेयर्स कितने हैं ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप देखें कि ये जो आप देख रहे हैं 8 16 96 96 जो है, 96 क्या होता है, 8 × 12, इसका मतलब ये नंबर कितने हैं, 12, ये 12 है और वन नंबर ये है, तो 12 प्लस 1 यानी
13, तो जो टोटल पॉसिबल पेयर होंगे, टोटल जो पॉसिबल पेयर होंगे वो क्या होंगे, 13, 13 ऐसे पॉसिबल पेयर होंगे कि ये जो 9 डिजिट नंबर है ये क्या हो, डिविजिबल बाई 8। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं हम ताकि हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, इफ 5 डिजिट नंबर x364y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y, x प्लस y की लिस्ट वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 मींस जो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस x प्लस y ये क्या हो, डिविजिबल बाय 9 मतलब मल्टीपल ऑफ 9। तो हमें x प्लस y की क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो x प्लस y आप देख रहे हो, इस x प्लस y की मिनिमम वैल्यू क्या पुट करें कि 13 प्लस x प्लस y जो है वो क्या जाए, मल्टीपल ऑफ 9। और मल्टीपल ऑफ 9 में हमें पता है कि अगर मैं x प्लस y इज इक्वल टू 5 कह देता हूं, x प्लस y की वैल्यू 5, तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9, या ये कह सकते हो कि जो गिवन नंबर है ये गिवन नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 9। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 3 xy। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, इस क्वेश्चन में गलती के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ध्यान से देखें, इजी क्वेश्चन है लेकिन जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। तो देखें क्या है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 80, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 80, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y, जो ये x और y डिजिट्स है इनका सम क्या होगा वो फाइंड आउट करना है इसमें। तो जनरली देखो, वैसे तो 80 इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो 8 इंटू 10 और आप क्या कह सकते हो 16 इंटू 5, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम 80 जो है इससे ये वाला पार्ट ले लेते हैं। जनरली हमें क्या लेना चाहिए, 80 को 16 इंटू 5 लेना चाहिए, क्योंकि जो हम कंपोजिट नंबर हैं उनके जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके लिए जो नंबर में ब्रेक करते हैं वो नंबर में ब्रेक क्या होना चाहिए, ऐसे नंबर्स जो को प्राइम हो, लेकिन 8 और 10 जो है वो को प्राइम नहीं है। लेकिन दोनों का हमें साइड बाई साइड ध्यान रखना होगा। जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूँ 16 इंटू 5 कहता हूँ, तो 16 इंटू 5 कहने से यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5, अगर ये नंबर डिविजिबल बाई 5 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 और 5, यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 और 5। लेकिन अगर यूनिट डिजिट इसकी 5 हो जाती है, अगर इसकी यूनिट डिजिट 5 हो जाती है तो ये जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 80 नहीं हो सकता। और डिविजिबल बाई 80 होने के लिए इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो y है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यूनिट डिजिट जो है, यहाँ y है यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है कि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 और 5, लेकिन यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास 5 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी तो वो नंबर 80 से डिविजिबल नहीं होगा, और 80 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसलिए हम क्या कहेंगे, y की वैल्यू क्या होगी, 0। हमें x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0। और आगे अब आप देख रहे हो हमें क्या कहना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 16। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 16 है तो उसकी लास्ट 4 डिजिट्स, 16 क्या होता है 2 raised to the power 4, यानी 5 3 xy इज डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 16। लेकिन जो y है इस y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, y की वैल्यू क्या है, 0। y की वैल्यू क्या है, 0, तो इसका मतलब 5 3 x 0 वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 16। और अगर ये डिविजिबल बाई 16 कहें या 5 3 x इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, क्योंकि अगर ये 5 3 x डिविजिबल बाई 8 होगा तो ऑटोमेटिकली 5 3 x y जो है
वो डिविजिबल बाई 16 हो जाएगा। तो 5 3x इज डिविजिबल बाई 8 चेक करना है, और साथ में हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो 0 to 9 के बिटवीन कुछ भी हो सकती है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ क्या होगी। तो 5 3x है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 8 6 जा 48, और 48 यहाँ 5 होगा और साथ में मेरे पास यहाँ x होगा। और अब आप देखें ये जो x है, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो 50 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लेता हूँ तो 8 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 7 से वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 6। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, x प्लस वाई, यानी 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिजिट नंबर 867P67Q, 8 डिजिट नंबर है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 75, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 75। पी इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, ध्यान रखना है कि जो पी है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, पी और क्यू की वैल्यूज क्या होंगी वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर इज डिविजिबल बाई 75, तो 75 को आपको पता है, 75 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 25, और 25 का मतलब आपको पता है डिविजिबल बाई 25। डिविजिबल बाई 25 का मीनिंग क्या होता है, 5 square, 25 मीन्स 5 square, मतलब लास्ट 2 डिजिट यानी 7Q इज डिविजिबल बाई 25, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 25। तो जो Q की वैल्यू है 0 to 9 के बिटवीन अगर पुट करते हैं तो हमें पता है कि अगर मैं Q की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, Q इज इक्वल टू 5, तो Q इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो 75 जो है वो डिविजिबल बाई 25 होता है। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो Q है वो 5 होगा। तो Q 5 वाले ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ है और यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ से भी वैसे हमें आइडिया हो जाता है, वैसे देखें तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि P इज इक्वल टू 3 और P इज इक्वल टू 6 गिवन है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, पी इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, और 3 और 6 में से हमें पता है कि 6 कंपोजिट नंबर होता है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, या अगर हम चाहें तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 से। ये तो ऑप्शन से पता चल गया, नहीं तो 25 से तो हमें पता चल गया डिविजिबल बाई 25 का मतलब क्या है कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, 5। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3, और डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होगा, सम ऑफ डिजिट्स वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, डिविजिबल बाई 3। तो डिजिट्स का सम क्या होगा, वैसे तो ऐड करना हो तो कर लें, नहीं तो हमें पता है 8 और 7 15, नॉन नीड। 6 3 का मल्टीपल हो गया, 6 3 का मल्टीपल हो गया 7 रहा हमारे पास, 7 plus P plus Q इज मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन क्यू की वैल्यू क्या है, 5, क्यू की वैल्यू क्या है, 5, तो 7 plus 5 12 12 भी हो गया। इसका मतलब पी इज मल्टीपल ऑफ 3, पी इज मल्टीपल ऑफ 3 में पी की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 3 6 9 एंड सो ऑन, और 6 9 एंड सो ऑन वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या होगी, 3। वैसे इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू 0 भी आ सकती है, पी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस में 0 नहीं है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए 7 डिजिट नंबर x 8 9 4 2 y 4, दिस 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 56। 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 56 इज इक्वल टू 7 into 8, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 56। वट इज द वैल्यू ऑफ x square plus y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, y की जो वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट होगी,
एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 56, तो फाइंड आउट करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो साथ में 56 तो 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई 8 का मीनिंग क्या है कि जो भी हमारे पास नंबर है उसकी लास्ट 3 डिजिट 2y4 इज डिविजिबल बाई 8 होगा, और 2y4 इज डिविजिबल बाई 8 मीन्स 2y4 इसको अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए देखें, पहले हम स्मॉल गिवन था क्वेश्चंस में एक्स या वाई, तो उसमें हम जीरो से स्टार्ट करते थे, यहाँ हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ वाई की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 9। अगर वाई की वैल्यू 9 है तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 54। 8 से 54 को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होता, और ये 9 पुट किया है मैंने तो 54 आया है। 9 पुट करने से यहाँ मेरे पास 5 आया है, 54 आया है, तो इसका मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में y की जो वैल्यू है वो 9 नहीं हो सकती। अगर मेरे पास यहाँ y की वैल्यू 8 होती तो यानी 84, 8 में से 4 माइनस होता तो ये मेरे पास 44 हो जाता, लेकिन 8 से भी अगर डिवाइड करेंगे तो 44 डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि y के प्लेस पर मेरे पास, अगर y की वैल्यू मेरे पास 7 होती तो 7 माइनस 4 ये 34 हो जाता, 74 होता तो यहाँ 34 हो जाता, लेकिन फिर भी 8 से अगर 34 को डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो अगर मान लो मैं y के प्लेस पर 6 कह देता हूँ तो 6 में से 4 माइनस होगा तो वो मेरे पास क्या आ जाता, 24, और 8 थ्रीजा क्या होता है 24। इसका मतलब यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि जो y है y की वैल्यू क्या होगी, 6, y इज इक्वल टू 6 होगा। तो y की वैल्यू 6 आ गई, ये कहाँ से आई हमारे पास, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। लेकिन अभी हमारे पास एक और रूल है डिविजिबिलिटी बाई 7, यानी डिविजिबल बाई 7 नंबर क्या हो गया हमारे पास, x 8 9 4 2, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा 6 4, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 7। और डिविजिबल बाई 7 के लिए हमें पता है कि हम 3 3 नंबर्स के पेयर्स फॉर्म करते हैं, ऑड नंबर पर जो पेयर्स आएंगे उनको ऐड करें, इवन नंबर्स पर जो पेयर आएंगे उनको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे यहां से मेरे पास क्या आ गया, इवन नंबर पे तो मेरे पास केवल 894 है, यानी 894 माइनस इन दोनों का सम यानी 264 प्लस एक्स इज क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 7। ये नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 7, यानी मुझे अब x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये नंबर क्या हो डिविजिबल बाई 7। 894 में से 264 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 286 30 प्लस x इज डिविजिबल बाई 7, और हमें पता है कि 630 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x इज डिविजिबल बाई 7। और x इज डिविजिबल बाई 7 मीन्स जो x है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 7। वैसे तो x की वैल्यू डिविजिबल बाई 7 में x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन x की जो वैल्यू है 0 वो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये मेरे पास 7 डिजिट नंबर नहीं रहेगा, तो इसलिए मेरे पास यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 7। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 6 किस में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई में, यानी 7 स्क्वायर प्लस 6 मीन्स 49 प्लस 6 यानी 55। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द 9 डिजिट नंबर 9T4459Q28, दिस 9 डिजिट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88। 88 का मीनिंग क्या होता है, 11 into 8। दिस नंबर 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू, लेकिन साथ में क्या दे दिया, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू, इसके लिए वही डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8 का मतलब क्या हुआ, Q28 इज डिविजिबल बाई 8,
क्यू टू एट इज डिविजिबल बाई एट, यानी एट से हम क्यू टू एट को डिवाइड करेंगे और फाइंड आउट करना चाहेंगे कि क्यू की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, और साथ में हमारे पास क्या गिवन है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू है तो इस क्यू की प्लेस पर हम नाइन से स्टार्ट करेंगे और नाइन पुट करते हैं तो एट बन जा एट, वन टू एट बन जा एट, फोर फोर्टी एट, एट सिक्स जा 48 कैंसिल। अच्छी बात है, तो इसका मतलब हमारे पास क्यू की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या आ गई, नाइन। तो इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू क्या होगी, नाइन। लेकिन हमारे पास अभी यहाँ इसमें पी की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमारे पास क्या आगे बने, नंबर इज डिविजिबल बाई इलेवन, नंबर इज डिविजिबल बाई इलेवन। डिविजिबल बाई इलेवन का मीनिंग आपको पता है कि जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस उनकी वैल्यूज का सम फाइंड आउट करें, जो इवन प्लेसेस हैं उनकी वैल्यूज का सम फाइंड आउट करें, और उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 11। सो डिफरेंस किसका फाइंड आउट करेंगे, 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 9 प्लस 8 माइनस पी प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2। सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस फाइंड आउट करें उनका डिफरेंस, तो यहां से क्या हो जाएगा 9 9 18 27 और 8 35 माइनस पी प्लस 9 4 13 15, और ये जो वैल्यू होगी दिस वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ 11, दिस डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 11, और 35 में से 15 माइनस होगा तो 20 माइनस पी इज मल्टीपल ऑफ 11। और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी उसके लिए देखें पी की वैल्यू हम यहाँ क्या पुट करें, पी की वैल्यू क्या पुट करें, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस क्या आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं पी इज इक्वल टू 9 पुट करता हूँ, पी इज इक्वल टू 9, तो 20 माइनस 9 क्या हो जाएगा 11, मल्टीपल ऑफ 11, तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, पी इज इक्वल टू 9 और क्यू इज इक्वल टू 9, फॉर विच दिस 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88। सो वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पी स्क्वेयर माइनस क्यू, पी स्क्वेयर माइनस क्यू, पी 9, 9 स्क्वेयर 81, माइनस 9, 81 माइनस 9 72। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 72। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द 7 डिजिट नंबर 8x2y3z5 दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 99, डिविजिबल बाई 99 मतलब 99 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 9। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखें कि नंबर इज डिविजिबल बाई 11 एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 9, तो डिविजिबल बाई 9 अगर हम कहते हैं, डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9 का मतलब क्या होता है कि इनकी जो डिजिट्स का सम होगा वो डिजिट्स का सम क्या होगा, डिविजिबल बाई 9 या मल्टीपल ऑफ 9। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस 3 प्लस जेड प्लस 5, यानी क्या वैल्यू आएगी 8 टू 10 13 18, 18 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज डिविजिबल बाई 9, 18 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज डिविजिबल बाई 9, 18 तो डिविजिबल बाई 9 है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज डिविजिबल बाई 9, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज डिविजिबल बाई 9, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0, 9, 18, 27 एंड सो ऑन। लेकिन आप देखते हो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड डिजिट्स हैं और डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि केवल ये वाला जो पार्ट है 36, 45 वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट नहीं होगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं 0, 9, 18, 27। लेकिन ये हमारे पास कहाँ से आया आइडिया, जब हमने कहा नंबर इज डिविजिबल बाई 9, इसका मतलब
नंबर इज डिविजिबल बाय 11 से, सेकंड कंडीशन और आप देखेंगे, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11 से जो हमारे पास ऑड प्लेसेस हैं उनको ऐड करें और जो इवन प्लेसेस हैं उनको ऐड करें, वो जो वैल्यू आएगी उसका डिफरेंस वो क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल में यानी क्या हो गया मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या होगा, 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, वैसे तो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं, 18 है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 11, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 18 इज मल्टीपल ऑफ 11, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो कि ये डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो इसके लिए आप देख रहे हैं यहां से x प्लस वाई प्लस जेड, यहां लिखने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूं तो 7 पुट करते हैं तो 7 माइनस 18 क्या हो जाएगा, माइनस 11, मतलब मल्टीपल ऑफ 11 यानी 7 आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 18 पुट करता हूं तो 18 माइनस 18 भी क्या हो जाएगा, 0, 18 पुट करेंगे 7 हो गया, 18 हो गया। और कुछ अगर हम पुट करना चाहें, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 29, 29 माइनस 18 भी 29, माइनस 18 भी 11 हो जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ग्रेटर देन 27 हो जाएगी। और हमें यहाँ से जो वैल्यूज थी, पहले हमारे पास ये वैल्यूज थी x प्लस वाई प्लस जेड की पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की पॉसिबल वैल्यूज ये आ रही, और दोनों में से आप देख रहे हो यहाँ भी 18 है और यहाँ भी 18 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो सम फाइंड आउट करना था वो सम क्या होगा, 18। यानी अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 18 है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 18 है तो हमारे पास क्या कहेंगे कि ये जो नंबर होगा 7 डिजिट नंबर ये क्या होगा, डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ n इज मल्टीपल ऑफ 55 दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, इन डिजिट्स को यूज करके एक नंबर फॉर्म करना है मल्टीपल ऑफ 55 जस्ट वंस एंड फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, और 7 डिजिट नंबर होगा ये हमारे पास, 7 डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 6, इनको यूज करके लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 7 डिजिट नंबर, और वो 7 डिजिट नंबर सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारा लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, और साथ में हमारे पास गिवन है डिजिट 0 to 6 यूज होंगी, तो इसका मतलब यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि जो ए है वो नॉन जीरो होगा, ए नॉन जीरो होगा, और डिविजिबल बाई 55, डिविजिबल बाई 55 मीन्स 11 into 5, तो यानी जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 5 भी होगा और डिविजिबल बाई 11 भी होगा। तो अगर हम नंबर को डिविजिबल बाई 5 कहते हैं तो नंबर डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट है जी वो क्या होगी, आइदर 0 और जी इज इक्वल टू 0 और 5, तो यहां से हमें आइडिया हो जाता है कि जी या तो 0 होगा या 5 होगा, और जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 वो क्या कहता है, जो डिफरेंस होगा डिजिट्स का, ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स का सम फाइंड आउट करें, इवन प्लेसेस पर डिजिट्स का सम फाइंड आउट करें, और उनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। तो आप देख रहे हो ए सी ई और जी, यानी ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी इनका सम माइनस बी प्लस डी प्लस एफ, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब मेरे पास यहां से वैल्यू 0 और 11 और 22 एंड सो ऑन हो सकती है, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो इसके लिए देखें कि हमारे पास जो डिजिट्स यूज होंगी, जो डिजिट्स यूज होंगी वो आइदर 0, 1, 2 और 6 यूज होंगी,
और हमें पता है कि अगर हम इन डिजिट्स का सम फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और वो टोटल वैल्यू क्या आ जाती है 21। 21 का मतलब ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के केस में अगर हम ये डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, ऑड नंबर के केस में ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी का, ऑड नंबर्स का जिस डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास 22 या 22 से ग्रेटर नहीं आ सकता, क्योंकि डिजिट्स का सम क्या है 21, तो सभी डिजिट्स का सम 21 है, तो डिफरेंस 21 या 21 से ग्रेटर वाला पार्ट नहीं हो सकता। और साथ में आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी जीरो भी नहीं हो सकता, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सम ऑफ डिजिट्स का डिफरेंस जीरो है तो इन दोनों का जो सम होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें पता चलता है कि दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू जीरो भी नहीं होगी और 22, 33 भी नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, 11 होगा। यानी ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी में से अगर माइनस करते हैं बी प्लस डी प्लस एफ तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 11। ये वैल्यू क्या होगी, 11। तो अगर मान लो मैं इसको एक्स कर देता हूं, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो मेरे पास क्या आ जाता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू इलेवन। लेकिन ये x और ये y है, अगर मैं x प्लस वाई कहता हूं, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, डिजिट्स का सम, और वो डिजिट्स का सम कितना है 21। और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करें, ऐड करें तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, यानी x इज इक्वल टू 16। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 10 होगा और y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 16 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 5। y का मतलब क्या है मेरे पास, b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होगा 5। b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। और 5 का मतलब हम जो डिजिट्स यूज करेंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब 5 के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 0 प्लस 1 प्लस 4 या और 0 प्लस 2 प्लस 3। यानी b प्लस डी प्लस एफ की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो क्या होगी, 0, 1, 4 या क्या होगी, 0 प्लस 2 प्लस 3। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो b d और f है इन तीनों डिजिट्स में से एक डिजिट जीरो तो होगी ही होगी, इन तीनों डिजिट्स में से एक डिजिट जीरो होगी होगी, लेकिन हम जी क्या कर रहे थे, जीरो और फाइव, इसका मतलब जी की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जी इज इक्वल टू क्या होगा, जी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव। इसका मतलब हमें पता चल गया कि एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास जी इज इक्वल टू 5। और अब साथ में आप देख रहे हो क्या था हमारे पास, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू 16। ए प्लस जी प्लस ई इज इक्वल टू 16 है हमारे पास, लेकिन हमें जो ये नंबर फॉर्म करना है, सेवन डिजिट नंबर, जो सेवन डिजिट नंबर फॉर्म करना चाहते हैं, ये सेवन डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर होगा तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ए की जो वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट होगी। और ए की वैल्यू लार्जेस्ट मीन्स ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 6। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6। उसके बाद नेक्स्ट आता है बी, तो बी की लार्जेस्ट वैल्यू अगर आप देखना चाहें, बी की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, इसके बाद बी, इससे हम क्या कह सकते हैं, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 4 लगता है, यहां से 3, लेकिन हमें लार्जेस्ट चाहिए, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, 4। तो ये वैल्यू मेरे पास बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ए इज इक्वल टू 6, जी इज इक्वल टू 5, और यहां से बी की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू 4 यहां पुट करोगे, इस रिजल्ट से बी की वैल्यू 4 कहेंगे, तो इसका मतलब डी प्लस एफ जो है वो क्या हो जाएगा, 1। डी प्लस एफ इज इक्वल टू 1, और डी प्लस एफ इज इक्वल टू 1, डी प्लस एफ इज इक्वल टू 1, और डी और एफ की वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। और 0 और 1 में से आप देख रहे हो डी पहले आ रहा है, एफ बाद में आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर चाहिए, लार्जेस्ट नंबर के लिए ये जो डी है, इस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1।
डी इज इक्वल टू वन और एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। सो ये मेरे पास डी और एफ की वैल्यूज आ जाएंगी। अब मेरे पास जी ए बी डी और एफ है, सी और ई रह जाते हैं, सी एंड ई रह जाते हैं, और इनके लिए मेरे पास जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स हमने क्या क्या यूज कर ली, 6, 4, 1, 0, 5, रिमेनिंग डिजिट्स क्या रह जाती हैं, 2 एंड 3। तो इसका मतलब 2 एंड 3, इनमें से कोई एक वैल्यू सी की होगी और एक वैल्यू ई की होगी, लेकिन हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो सी पहले ई बाद में है, तो इसका मतलब यहां से हमें क्लियर हो जाता है C इज इक्वल टू क्या होगा 3, E इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3, E इज इक्वल टू 2। तो यानी हमारे पास A, B, C, D, E, F इन सब की वैल्यूज आ गई है, पुट करेंगे तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, A, A इज 6, फिर B 4, C 3, D, D इज 1, E, E इज 2, F, F is 0 and G, G is 5। तो ये हमारा largest 7 digit number होगा जो multiple of 55 होगा and using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। So this is required answer जो हम find out करना चाहते थे। आज के लिए इतना ही, thanks for watching। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो please like, share and subscribe। Thank you।